ये है होंडा साइन बाइक का पीछे वाला टायर जो पहले से नॉन ट्यूबलेस था, अब हम इसको बना रहे हैं ट्यूबलेस टायर। तो सबसे पहले रिम को खूब अच्छी तरह साफ कर लें, और इसके लिए एक ट्यूबलेस नज़ल आता है ये गुना सिस्टम वाला, तो इसमें हम इसको लगाकर इसे हम फुल टाइट कर देंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्यूबलेस रिम जो होता है उसमें रबर बड़ा लगता है, उसका होल बड़ा होता है, और ये ट्यूब टाइप टायर है तो इसका होल छोटा होता है। इस वजह से इसमें ये नट बोल्ट वाला ये बेल लगता है, तो ये भी काफ़ी सक्सेस बेल भाई है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको हम टाइट कर रहे हैं, और इसे आप फुल टाइट कर लें। अगर ये टाइट करने के वक्त ये घूम सकता है, इसका ये स्लिप अगर हो तो आप पेचकस से दाब कर, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पेचकस से दाब कर नीचे से हम इसे फुल टाइट कर दें। और अच्छी तरह से टाइट कर लें, और इसमें वाशर ना भूलें। तो ये MRF का नाइलो ग्रिप टायर है ये। और ये टायर ट्यूबलेस है, और इसका जो रिम है वो नॉन ट्यूबलेस है। तो इस टायर में उल्टा सीधा होता नहीं है, जैसे भी फिट कर लें। और इसमें हम डालेंगे लिक्विड, क्योंकि ये नॉन ट्यूबलेस रिम है, तो इसमें लिक्विड हम डालेंगे, क्योंकि कहीं से अगर लीकेज हो तो ये टायर सीलेंट लिक्विड जो है वो उसे बंद कर देगा। और डालने से पहले अच्छा से हिला ले, उसको सेक कर ले। तो अब ये टायर सीलेंट डल चुका है इसमें, और ये बिल्कुल अब तैयार है, और इसमें हवा डालकर गाड़ी में इसे फिर